इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे। नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल जीपुरे में बाबूलाल जांगिड़ जसरा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फोन पर सूचनाएं मिलती रहती है और जीव जंतुओं से जुड़ा अपना गहरा नाता है, तो उनको बचाने के लिए हर टाइम भागदौड़ जारी रहती है। अभी भाई राम कुमार के द्वारा सूचना मिली और साथ में हरिकिशन जी, इनके खेत में एक सांप है, कोई कुएं के अंदर गिरा हुआ है, तो अभी आपको दिखाते हैं कौन सा सांप है। आप वीडियो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और देखते हैं कौन सा सांप है। ये आप देख सकते हो पानी की कुंडी के अंदर किंग कोबरा सांप है, सांप की प्रजाति का बहुत जहरीला। ये पहले बेल के जरिए निकालने का प्रयास किया गया था लेकिन ये नहीं निकल पाया, फिर एक बांस का डंडा लेकर इसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया गया, इस बार सफलता भी मिली और इस बेचारे जीव को पानी से बाहर निकाला गया। क्योंकि पानी में ज़्यादा दिन पड़े रहने की वजह से थोड़ा कमज़ोर सा हो गया था ऐसा मान रहे, लेकिन जितना होना चाहिए उतना कमज़ोर नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो वीडियो के अंदर ये कैसे फण फैलाए बैठा था। ये सब बाहर निकाला गया, फिर इसे कट्टे के अंदर पैक करने की कायद शुरू हुई। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर जैसे ही इसके सांप के आगे पीछे घूमते हैं तो ये भी बराबर घूमता है, क्योंकि इसको पीछे की साइड में दिखाई नहीं देता है। और हमारा भी एक ही मकसद रहता है हमेशा ही कि सांप को बिना हाथ लगाए सीधा कट्टे के अंदर पैक कर लिया जाए, लेकिन कुछ एक सांप होते हैं वो अपने आप कट्टे में नहीं घुसते हैं, तो फिर उसको पकड़ कर कट्टे के अंदर डाला जाता है। तो उसमें भी एक टेक्निक होती है पकड़ने की, कैचिंग की, उसी के आधार पर उनको कैच किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सांप का जो हम कई बार दोस्त कमेंट में बताते हैं कि भाई साहब आप सांप का गला दबा रहे हो, नहीं नहीं दोस्तों, गला नहीं दबा रहे हैं, हमारा सांपों को बचाने का मकसद है, उनको मारने का नहीं। गला दबाने की भी अलग टेक्निक होती है और उसी के आधार पर ही दबाया जाता है, उसमें आप अंदाजे से नहीं दबा सकते, उसको पूरा एकदम नॉलेज होना चाहिए कि ये कितना वजन झेल पाएगा। अभी इसको देखिए वीडियो के अंदर के थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े साइज़ का सांप है तो डर तो लगता ही है हर किसी को, चाहे हम स्नेक सेवरत क्या है तो हम भी इंसान ही, क्या पता किस टाइम बाइट कर ले, तो पूरी सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो इसको कैच किया अभी और कट्टे में डालेंगे या इसे अभी कट्टे में पैक करेंगे। तो कट्टे में पैक करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, इसको पूरा एकदम नाप तोल कर छोड़ा जाता है, क्योंकि इस टाइम ये कई बार कट्टे से मुँह बाहर निकाल लेता है। हर कोई ऐसे कट्टे के अंदर मुँह छोड़ेगा तो ये खुद स्प्रिंग टाइप थोड़ा अकड़ कर रह जाता है, तो ये पूरा नीचे तक नहीं जा पाता और वहीं से बाइट कर लेता है और हादसे हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक का कट्टा है तो ये बाइट तो इसके अंदर से भी कर सकता है, फिर भी पूरी एकदम सेफ्टी के साथ इसको मजबूती से पैक किया जाता है। और गर्मी की मौसम को देखते हुए इनको जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि सांप को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो पीछे खड़े हैं जो खेत के लोग हैं बेचारे सांप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनको भी राहत मिली। और ये हमारे राणा राम जी और जो ये मेरी टीम है जीव प्रेमी टीम के सारे सदस्य है, अभी इसको जंगल में रिलीज करेंगे यहाँ से। तो इसे पर्यावरण और प्रकृति में रिलीज कर रहे हैं ताकि ये भी बेचारा अपना भोजन वितरण कर सके, काफ़ी दिनों से बंद कुएं में कैद था, इसको भी आज़ाद कर रहे हैं। हाँ
बना लो।